ऐसा कानून, जहरीला कानून हम कदापि मंजूर नहीं करेंगे। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये ड्राइवर भाई कोई गाड़ी में नहीं चढ़ेगा। हमारे यहाँ वर्तमान में नागपुर में पारडी बिड़गांव परिस्थिति है, वहाँ पर एक घटना घटी है, ठीक है। एक टिप्पर चालक पुलिस वाला उसके पीछे लगा हुआ था। अब उसमें हादसा, एक भाई बहन साइकिल से सवार होकर अपने काम में जा रहे थे, वो कुछ मिस्टेक होकर वो गिर गए और वो वाहन के नीचे आकर उनकी मृत्यु हो गई। पब्लिक ने आज क्या किया उनके साथ में, खूब मारा उनको। मारने के बाद उसको क्या हुआ, हॉस्पिटल गया वो ड्राइवर, उपचार के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई। बताइए, कानून बोलता है कि भागना नहीं है, पब्लिक बोलती है तुम छोड़ना नहीं है, तो हम ड्राइवर भाई जाए तो जाए कहाँ। ये हाल ही में करंट में न्यूज बता रहा हूँ मैं आपको, एन एन टीवी को, ये अभी बीड़गांव की कहानी है। आप वहाँ, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाइयों में नेता कौन है यही पता नहीं चल रहा, तो हमको पता कैसा चलेगा। आज तक नेता मेरा बात संसद में लेके कोई जाता ही नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई, हमारे लिए नियम कायदे नहीं बनते, हमारे लिए कोई नेता खड़ा नहीं होता, हमारी बात संसद तक के जाती नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है, ये सिर्फ रोड बनाने का काम कर रहे, ड्राइवरों के सुरक्षा के लिए आज तक कोई योजना नहीं बना पाते हैं, और बना हो तो हमको बताओ कौन सी योजनाएं हैं वो हमारे लिए लागू है। सिर्फ हमारे लिए जहरीला ही कानून लाते हैं। आज हम वर्कर है, गरीब आदमी है हम, आज दिनों दिन महंगाई बढ़ जा रही है और ऐसे ऐसे जहरीला कानून पास करते हैं। नितिन गडकरी साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे बीच में आए और हमारे से चर्चा करें, तब तक अन्यथा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं विदर्भ का नंबर वन चैनल NNTV। अभी हम पारडी एरिया में खड़े हैं जहां पर एक ट्रांसपोर्ट नगर है, और यहां पर आज फिर से जो ड्राइवर लोगों का आंदोलन यहां पर किया गया है, क्योंकि कल जो आंदोलन हुआ था वो वहां से पुलिस के जरिए इनको वहां से रोड से उठा दिया गया था, और कलेक्टर की तरफ से भी इन लोग के लिए कुछ मैसेज आया था। वो मैसेज क्या था और ये कल उठने के बाद में आज फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, आइए हम सीधा इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपका NNTV में बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए आप। मेरा नाम संतोष उइके है, मैं ड्राइवर ही हूँ, और मैं ये सभी ड्राइवर लोग आज फिर पुनः हम एकत्रित हुए हैं। कल हमने चक्का जाम किए थे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमको सपोर्ट किया, अंत में क्या हुआ पता नहीं, कहाँ से लोग आए और कौन गुंडे थे, वो हमारे ड्राइवर में से कोई नहीं था जो दंगे करने वाले थे। आखिरी में जो लाठीचार्ज किया गया और उसमें से फिर हमारा आंदोलन खत्म हो गया, नहीं तो हम तो पूरा चक्का जाम करने का, खाने पीने का व्यवस्था भी हम करने के लिए तैयार थे। हम हटेंगे नहीं जब तक हमारा न्याय लगेगा नहीं। और कलेक्टर क्या बात कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहा है, और जो ट्रांसपोर्ट लाइन के जो यूनियन लोग हैं वो बताया जा रहा है कि हमने आंदोलन पीछे ले लिए, लेकिन आज हमारी हक अधिकार की बात आ रही है, हमको खुद को पता नहीं चल रहा है। और ये आंदोलन पीछे लेने की कौन बात करता है वो हमको पता ही नहीं चल रहा है। अगर बात करना है तो ड्राइवरों के बीच में आकर बात करें, हमको भी पता चले कि बात क्या हो रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। आज हम पुनः यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि जब तक हमारा न्याय नहीं लगेगा तब तक हम गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे, ये हमने सभी ड्राइवर भाई मिलकर निर्णय लिए हुए हैं। आपने जैसा गुंडे बदमाशों की बात की है, कि कल आपके बीच में गुंडे बदमाश भी लोग आए थे, लेकिन वो आपने ये भी बताया कि वो ड्राइवर नहीं थे, लेकिन ड्राइवर की पहचान क्या है? आज आप एकत्रित हुए तो इसके अंदर क्या, टोटल सभी लोग ड्राइवर है, और आप वो ड्राइवर की पहचान के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ड्राइवर देखो, आज ड्राइवर लाइसेंस तो एक पहचान पत्र है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं ड्राइवर ही करता हूँ, मैं पूरा भारत ट्रेवल करता हूँ। ड्राइवर हर किसी को अपने को भाई मानता है, छोटा सा बच्चा भी रहा तो उसको हाथ जोड़ता है, सबको लेके चलने की बात रखता है, सब एकत्रित आए, कभी किसी के साथ में ड्राइवर अन्याय नहीं करता। आज बात आई है ड्राइवरों की, तो अपने हक अधिकार के लिए रोड पे उतरा है, आज उसके लिए कोई नेता हमारे साथ में नहीं है। सिर्फ हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे करके हम लोग आज इसी आए हैं।